मध्य प्रदेश में अति वर्षा से कई जिलों में किसानों की फसल चौपट हो गई। सबसे ज्यादा मंदसौर और नीमच में किसानों का नुकसान हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक किसानों को मुआवजा वितरित नहीं किया, जिसको लेकर उज्जैन के घटिया तहसील मुख्यालय पर सांसद अनिल फिरोजिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। इस दौरान अनिल फिरोजिया ने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अति वर्षा से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, प्रदेश सरकार 40,000 रूपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर किसानों और जनता के मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जो अतिवृष्टि हुई है और किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है, घर ढह गए हैं, गरीबों के घर ढह गए हैं, गाय भैंस पशुधन का बह गया है, उसका तत्काल 40,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों का मुआवजा दे और फसलों का बीमे के लिए सर्वे करवाए, और जो पुरानी घोषणा है कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, तो 2 लाख रुपए का कर्जा भी किसानों का माफ करे। बिजली के ये हाल है कि बिजली तो है ही नहीं, बेहाल है किसान, उनको 24 घंटे गांव की और 10 घंटे जंगल की बिजली दे, उनके बिजली के बिल को हाफ करे, और प्रधानमंत्री के द्वारा जो सम्मान निधि किसानों को दी जा रही है उनका रजिस्ट्रेशन करा के उनको तत्काल केंद्र सरकार को भेजे। ये सब मुद्दों को लेके आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का